हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ इंटेराइटिस। अभी हम लोग इंटेराइटिस पढ़ रहे थे, जैसे कॉज ऑफ इंटेराइटिस, टाइप्स ऑफ इंटेराइटिस, व्हाट इज इंटेराइटिस या फिर सिम्टम्स ऑफ इंटेराइटिस। तो अभी जो हम सीरीज चल रहा है हमारा वो है इंटेराइटिस के ऊपर। तो इंटेराइटिस वाले सीरीज में आज जो हम देखने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंटेराइटिस। जो इंटेराइटिस होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ इंटेराइटिस मतलब इंटेराइटिस को हम कैसे इंटेराइटिस को रोकथाम करने का उपाय, उसका क्या क्या उपाय करके, क्या क्या हम जुगाड़ करके उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो प्रिवेंशन ऑफ इंटेराइटिस के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है वह है वॉश हैंड विथ सॉप विथ वाटर। मतलब हम अपने हाथ को इंटेराइटिस से अगर बचना है तो उसका जो प्रिवेंशन है उसमें पहला जो कॉज है वो है वॉश हैंड विथ सॉप विथ वाटर। मतलब हम अपने हाथ को पानी और साबुन से कंटिन्यू धोएंगे, ठीक है, हम अपने हाथ को पानी और साबुन से धो के रखना है। नेक्स्ट, आफ्टर विजिटिंग द बाथरूम एंड बिफोर कॉन्टेक्ट विद फूड। हाथ कब कब धोना है, तो अगर हम बाथरूम में जा रहे हैं तो बाथरूम से आने के बाद, मतलब आफ्टर विजिटिंग द बाथरूम एंड बिफोर कॉन्टेक्ट द फूड। या हम खाना खाने जा रहे हैं या कोई फूड को हम टच कर रहे हैं या फूड हम किसी को खाने के लिए दे रहे हैं या खुद खा रहे हैं, मतलब फूड के जब हम कॉन्टेक्ट में आएंगे तो उससे पहले हाथ धोना है। हाथ किससे धोना है, तो सोप विथ वाटर, सोप के मतलब साबुन और पानी से हमें हाथ धोते रहना है। कब, तो बाथरूम में जाने के बाद और खाना खाने या खाना किसी को देने से पहले हमें हाथ को खास सफाई पर ध्यान देना है। जो हाथ हम नॉर्मल पानी से नहीं धोना है, हाथ धोना है साबुन और पानी से, ठीक है। नेक्स्ट, वॉश किचन टूल्स एंड सर्फेसेस दैट हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद रॉन्गिट्स और प्रोड्यूसेस। जो हमारा किचन टूल्स है, किचन के सरफेस एरिया है, जो हमारा किचन जहाँ पे हम कोई चीज कट करते हैं, सब्जी भाजी कोई चीज बनाते हैं, या हमारा जो किचन टूल्स है जैसे कढ़ाई हो गया, पैन हो गया, जिसमें हम किचन में यूज करते हैं खाना बनाने में, तो उस सब को क्या करना है, अच्छा से धोना है। कब, जब अगर हम कोई कच्चा मीट लाते हैं, कच्चा मांस लाते हैं या मांस का कोई प्रोडक्ट लाते हैं, तो उसको बना लेने के बाद हमें, या बनाने से पहले और बनाने के बाद किचन टूल्स को अच्छा से धोना है, ठीक है। नेक्स्ट, कुक मीट एंड सेल्फिश ट्रूली। जो हमारा मांस रहेगा, खाने वाला जो मांस होता है, जो मीट रहेगा या कोई सेल्फिश है, तो उसको हमें अच्छे से पकाना है, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, अच्छे से उसको हमें पकाना है। नेक्स्ट, कीप कोल्ड फूड इन कोल्ड एंड हॉट फूड हॉट। जो ऐसा खाना जो ठंडा में ही रखा जाता है, फ्रिज में रखने वाला है, उसको हम फ्रिज में रखेंगे, और ऐसा खाना जो गर्म में रह सकता है, फ्रिज में रखने के बाद वो खराब हो जाएगा, उसमें कुछ फर्मेंटेशन हो सकता है या कुछ इन्फेक्शन बढ़ सकती है, तो वैसे खाना को हम फ्रिज में नहीं रखेंगे। और जो खाना हम बाहर रखने से खराब हो जाएगा उसको हम इसमें कोल्ड चेन ही मेंटेन करेंगे। जैसे केक वगैरह है उसको हम फ्रिज में रख सकते हैं, उसको बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा, और वह खाना खाने के बाद हम ज्यादा बीमार पड़ेंगे, हमारे पेट में और बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए कीप कोल्ड फूड इन कोल्ड एंड हॉट फूड हॉट। नेक्स्ट, यूज बोटल्ड वाटर व्हेन ट्रेवलिंग टू फॉरेन कंट्रीज। अगर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, इवन देश के भी हम किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं अपने कंट्रीज में, तो जो हम पानी पिएंगे उसपे हमें खास ध्यान रखना है, लोकल पानी नहीं पिएंगे, बोतल्ड वाला जो पानी आता है, बिसलेरी वगैरह आता है, वैसा पानी पिएंगे, कहीं से नल से निकाल के या कहीं भी दे दे कोई भी पानी, वो पानी पे खास ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली जब हम फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे या फिर अदर स्टेट में जाएंगे घूमने के लिए, तो वैसे कंडीशन में हमें पानी जो पीना है वो सील पैक पानी पीना देना है, बिसलेरी टाइप या बहुत सारे ब्रांड वो पीना है, कहीं भी नल वगैरह से भर के नहीं पीना है। तो यूज बोटल्ड वाटर व्हेन ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्रीज। नेक, इफ यू आर सिक स्टे होम अंटिल 48 आवर्स आफ्टर सिम्टम्स आर गिवन। अगर हम बीमार पड़ते हैं, अगर हम बीमार हो जाते हैं, तो हमें घर पे 48 घंटा तक
रेस्ट करना है, सिम्टम्स अगर इंटेराइटिस का लक्षण जाने के बाद हमें 48 घंटों मतलब 2 दिन तक प्रॉपर रेस्ट करना है, घर पे फिजिकल वर्क हार्ड वर्क नहीं करना है, तो इस सब पर खास ध्यान देना है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंटेराइटिस को। तो यह था प्रिवेंशन ऑफ इंटेराइटिस। प्रिवेंशन ऑफ इंटेराइटिस में नंबर 1 वॉश हैंड विद सॉप विद वाटर आफ्टर विजिटिंग द बाथरूम एंड बिफोर कॉन्टेक्ट द फूड। अगर किसी भी खाना हम खाने से पहले या फिर किसी को देने से पहले, खाना को छूने से पहले और बाथरूम से आने के बाद हमें हाथ को धोना है पानी से और साबुन से। ओके, नेक्स्ट वॉश किचन टूल्स एंड सर्फेसेस दैट हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विथ रॉ मीट्स और प्रोड्यूस। जो किचन टूल्स है, कढ़ाई वगैरह है, कसूल वगैरह है, छोलनी है, चम्मच है, स्पून है, वैसे चीज को हमें खास ध्यान रखना है बनाने से पहले और बनाने के बाद भी। जब हम घर में रॉ मीट लाते हैं, मांस लाते हैं, मीट मटन जिसे बोलते हैं वह लाते हैं, या मटन का कोई प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट होता है, तो उसको बनाने से पहले और खाने के बाद उसको अच्छा से साफ करना है। कुक मीट एंड सेल्फिश थुली, मटन और जो मछली है वो भी अगर हम खाते हैं तो उसको अच्छा से पका के खाना है, वो फैशन के लिए ऐसा नहीं कि उसको तंदूर बना के उसको ये करके, उसको पका के अच्छा से पका के उसको हमें खाना चाहिए। कीप कोल्ड फूड इन कोल्ड एंड हॉट फूड इन हॉट। जो केक वगैरह है उसको हमें फ्रिज में ही रखना चाहिए, बाहर रखेंगे वैसा खाना खाने के बाद, बाहर से केक हम खाएंगे केक खराब होगा, उसमें फर्मेंटेशन होगा, हमें पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। यूज बोटल वाटर व्हेन ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्रीज। अगर हम किसी दूसरे देश में घूमने जा रहे हैं, इवन अपने कंट्रीज में के अलग स्टेट में घूमने जा रहे हैं, तो वहां का पानी हमें किसी भी नल से, कल से, कहीं से भी निकाल के नहीं पी लेना है। जो बोतल में पानी आती है, सील पैक रहती है, बिस्लरी टाइप्स के, वैसा हमें पीना है। इफ यू आर सिक स्टे होम अंटिल 48 आवर्स आफ्टर सिम्टम्स आर गोन। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो इंटेराइटिस के लक्षण जाने के बाद भी 48 घंटा तक हम मतलब 2 दिन तक हमें घर पे रेस्ट करना चाहिए। तो यह सब प्रिवेंशन ऑफ इंटेराइटिस, इंटेराइटिस को कैसे रोका जाता है, तो इसके ऊपर एक हम लोगों ने छोटा सा शॉर्ट नोट देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ किसी नए टॉपिक के, ठीक है, तो तक के लिए थैंक यू।